तो टाइम हो रहा है 9। आज मेरा दिल कर रहा था ना कि मैं भर के चाय पीऊं, पर ईद के लिए हम लोग तो आ गए, आप भी आ जाओ। हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी लोग? आप क्या पीछे पीछे आ रहे हो? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और बस हमारी यहाँ पर बन रही है चाय, टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। तो चाय का बहुत दिल कर रहा था, ये कोई टाइम नहीं है चाय का, बस फिर भी दिल हो रहा था तो सोचा कि मैं बना लूँ। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। नेक्स्ट जुमा आएगा एक हफ्ते बाद। जी सुन रही हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था ना कि मैं भर के चाय पीऊँ, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि चाय पीने का दिल करता है बहुत ज़्यादा भर के, पर पता नहीं वो रोज़ की तरह क्या हुआ ना, चाय ऐसी हो गई, मतलब आधा कप मेरा दिल कर रहा था यहाँ तक चाय हो। मैं दिखा दूँगी आपको, आप डिस्टर्ब करते हो बहुत मुझे, बस अब मैं दिखा रही हूँ आपको। नहीं तो अच्छा जी, खैर मैं मम्मी पापा को बुला रही थी, भाई को, कि आ जाओ ईद के लिए हम लोग तो आ गए, आप भी आ जाओ। तो वो लोग तो नहीं आए, और पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या रीज़न है, वैसे तो कोई रीज़न नहीं, मम्मी पापा भाई वगैरह ये थोड़े बिजी रहते हैं ना, उसकी जॉब है तो इस वजह से। तो बस मैंने सोचा कि आज फ्राइडे है, कल तो सैटरडे है, तो वो नहीं आ सकते तो क्या मैं बना के वहीं पर ले जाती हूँ। पता नहीं पहली बार ही हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ आ जाओ, तो भाई भी थोड़ा सा बिजी है, कह रहा है कि नहीं बस आप ही आ जाओ, कुछ काम है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, काम है तो। और बल्कि मम्मी मुझे लालच दे रही है कचौरी का, मम्मी कह रही है कि मैं कचौरी बना रही हूँ कीमे की, आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो जी बस मैं ये पहले क्या है ना, पहले मैं ये कुछ चाप है, गोश है, तो मैं ये पहले पका लूँगी क्योंकि पकने में थोड़ा टाइम लगता है ना। और ये मैं सूखी सूखी बना रही हूँ, तो आपने देख ही लिया होगा जो इंट्रो होता है उसमें। और बस ये इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने, 2 टमाटर डालूँगी मैं इसके अंदर, और इसके अंदर चिली पाउडर नहीं डालूँगी मैं, सिर्फ हल्दी डालूँगी और धनिया डालूँगी। चिली पाउडर इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि जब मैं इसको भूनूँगी लास्ट में, ये तो सिर्फ मैं पका रही हूँ, और फिर लास्ट में भूनते टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या डालूंगी। तो बस ये नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के और इसको पका लीजिए। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर हल्दी 1.5 टीस्पून, और जी ये आपने मेरे हर ब्लॉग में, तो नहीं पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं कहती हूँ कि एक मसाला है जो मैं घर में बनाती हूँ, और उसकी मैंने कई बार रेसिपी दे चुकी हूँ मैं मसाले की, मेरी वीडियोस में ही है। और ये मैं दोबारा से जो ये मसाला है ये थोड़ा सा इसमें डाल के ताकि पक जाए ना, 2 स्पून मैंने डाल दिया। अच्छा बहुत ही अच्छा वो आ जाता है, क्या कहते हैं ना, फ्लेवर फ्रेग्रेंस वगैरह सब बहुत अच्छी आ जाती है। तो क्या होता है ना, जो ये वाला मसाला है ना, फिर मुझे कहेंगे कि भाई रेसिपी दो, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, और हाँ न्यू सब्सक्राइबर्स को भाई वेलकम टू माय चैनल, बहुत खुशी हुई है कि बहुत सारे अननोन और बहुत ही नई जगह से सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब मुझे ऐसा होता है ना, हम फैमिली और फ्रेंड्स को कहते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बट जब हमने नहीं बोला होता और अपने आप ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख के वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने सब्सक्राइब किया। तो मैं रफली आपको बता देती हूँ इस मसाले में क्या गया है। इसके अंदर है जायफल, जवंत्री और लौंग, इलायची, तेज पत्ता, और क्या क्या डाला था इसके अंदर, था लाल मिर्च पाउडर और सौंफ और भी कुछ था इसके अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी लिख दूंगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए।
वीडियो के नीचे एक डाउन एरो आता है इस तरह, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता ना, पहले मुझे भी नहीं पता था डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो बस कुछ लोग पूछते हैं कहाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो इसलिए बता दिया। अच्छा, मैं इसके अंदर ना पानी डाल लूँगी, और पता नहीं मैंने तेल डाला नहीं डाला इसमें, मैं तो भूल ही गई, नहीं शायद मैंने तेल डाला ही नहीं है, वाह ऐसे ही भून रही हूँ मैं। बस अभी अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी और सीटी लगा लूंगी 2-3, इस तरह हमारा गोश्त गल जाएगा, और फिर उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा जब मैं इसको तवे पे सेकूंगी, और भी इसके अंदर मसाले जाएंगे, अभी सिर्फ यही मसाला नहीं है, और भी मसाले जाएंगे। तो बस अब मैं इसके अंदर मैंने ये पानी डाल दिया है ताकि गोश्त बहुत ही अच्छे से गल जाए, और फिर मैं इस पानी को अगर बचा भी तो मैं सुखा लूँगी उस पानी को, तो टेंशन नहीं लेना कि भाई इतना पानी हो गया तो सूखा ये चाप कैसे बनेगी, तो चाप ऐसे ही बनेगी। तो जी चुप हो जाओ, चुप। तो जी बस ये मैंने भून लिया है, और बाकी का मसाला मैं सुबह रेडी करूंगी, अभी टाइम हो रहा है 9 और हम लोग जाएंगे सुबह में, तो दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट। पानी पूरा सूख चुका है, देखिए हल्का हल्का मसाला है, इसी के अंदर मैं इसको और मसाला डालूंगी। तो जी सुबह हो चुकी है और मैं अपने काम पर लग गई हूँ, दूध गर्म हो रहा है, और ये मुझे अब थोड़ी सी भूननी है चाम पे, और इसके लिए मैंने लिया है हरी मिर्च, जो कि मैं वॉश करके इसमें डाल के थोड़ी सी दरदरी कर लूँगी। तो ये मैंने हरी मिर्च को वॉश कर लिया है, और ये है हरा धनिया, कितना फ्रेश है ना, ये कुछ एक हफ्ते से भी ज़्यादा 15 दिन पुराना हो चुका है, पर स्टिल फ्रेश। ये बड़े अच्छे थे कंटेनर, 3 दिए थे मैंने, और ले लेने चाहिए थे। चलो पहले चॉप कर लेते हो, इसके अंदर मैं लाल मिर्च भी डाल दूँ। अच्छी बात है खाना। ऐसी दरदरी हो गई है, बस अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो आउटर में मैं तेल डालती हूँ, वो अपने आप अंदर आ जाता है। तो जी बस ये मैं यहाँ पर कर रही थी अपने चापों को फ्राई, मतलब अच्छे से तेल डाल के बनाई कर रही थी, और ये ग्रीन चिली और जो रेड चिली मैंने दरदरी कूटी थी पीसी थी, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी, और मैं बस अब सबको मिक्स करती चल जाऊँगी। और ये मसाला थोड़ा सा जो कुकर में बच गया था, हल्का सा पानी मैंने उसके अंदर डाल के इसी में ही मिक्स कर दिया, और वो भी सारा सूख गया था। और लेमन जो है वो मैंने एक ले लिया था, और आधा लेमन मैंने ऐसे निचोड़ दिया था, और आधा मैंने गार्निश के लिए रख दिया था। तो ये बिल्कुल डन है चापे, इसके बाद कुछ भी नहीं करना, लेमन बिल्कुल हमें एंड में डालना है, लेमन डाल के हमें पकाना नहीं है। मैंने जो स्टोव थी गैस थी वो बंद कर दी है, ऊपर से बस मैंने गार्निश कर दिया है अपना हरा धनिया डाल के, और ये लेमन के स्लाइस रख दिए हैं। तो जी बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।